मुंबई के कॉलेज में हिजाब और बुर्का पर पाबंदी आयद। भारत के शहर मुंबई में वाकई एक कॉलेज में मुस्लिम तालबात के बुर्का, हिजाब और नकाब पहने पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी में बेचैनी की लहर दौड़ गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक कॉलेज में गुज़िश्ता बरस अगस्त में सेकेंडरी सेक्शन में ये पाबंदी आयद की गई थी, ताहम अब ग्रेजुएट सेक्शन में भी हिजाब करने और बुर्का पहनकर आने पर पाबंदी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के चंबोर इलाके में वाके एनजी आचार्य कॉलेज में नए तालीमी साल 2024-25 के लिए एक ड्रेस कोड मुतारफ करवाया गया था, जिसमें खास तौर पर हिजाब, नकाब और अबाया पहनने पर पाबंदी आयद की गई। कॉलेज की जानिब से पैगाम वसूल होने के बाद मुस्लिम तालबात ने बड़ी तादाद में कॉलेज के सामने एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की, बल्कि तालबात ने इस मसले पर कौमी और रियासती इंसानी हकूक कमीशन से रजू किया और कॉलेज इंतजामिया को एक एहतजाजन खत भी तहरीर किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें। कॉलेज के इस रवैये के खिलाफ मुस्लिम आवाम और लीडरान में भी गम गुस्से की लहर दौड़ गई। मारूफ आलम दीन मौलाना अशरफी की जानिब से कॉलेज के इस इकदाम की शदीद मजम्मत की गई है, जिसमें कॉलेज के इस हुक्म को मुसलमानों के जज्बात से खेलने वाला करार देकर फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया।